हाय, गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे कि कोई भी रिसर्च पेपर जो है वो हम कैसे एक्सेस करें। तो सबसे पहले हम गूगल स्कॉलर पे जाएंगे, है ना। और गूगल स्कॉलर पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है। जैसे मैंने ये सर्च किया है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो मैं इस पे सर्च करूँगा, तो इससे जो रिलेटेड रिसर्च पेपर्स होंगे जो अलग अलग पोर्टल्स पे, अलग अलग साइट्स पे पब्लिश हो चुकी है, जैसे IEEE हो गई या स्प्रिंगर हो गई या फिर और भी कोई पब्लिशिंग जो भी पब्लिश जो साइट्स पब्लिश करती है, तो उसके पेपर्स यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट होंगे। तो उसे हम ऐसे आमतौर पर नहीं खोल सकते, ओपन नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक टूल है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कौन सा सपोज हमें खोलना है। तो सपोज हमें ये खोलना है, एन ओवरव्यू ऑफ पैरामीटर एंड कॉस्ट फॉर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, इसे हमें फुल पढ़ना है। यहाँ पे फुल एक्सेस नहीं है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फुल पढ़ेंगे तो फिर मतलब पॉसिबल नहीं है। कहीं कहीं पे वो इंस्टीट्यूशंस की डिटेल्स मांगता है, कहीं कहीं पे वो कहता है IEEE का मेंबर होना चाहिए, कहीं कहीं पे पेड होता है, कहीं कहीं पे एक्सेस हो नहीं पाता। मतलब वहाँ पे उनको पे करना होता है डॉलर में या पाउंड्स में। तो हम सबसे क्या करेंगे, सबसे इजी टास्क क्या है कि हम इस पे गए, इसकी जो URL है उसको कॉपी कर लिया। उसके बाद ये साइंस हब, साई हब जो है एक साइट है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर जाके आप पेस्ट कर लेते हो, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप इसे सर्च करते हो। कभी कभी थोड़ा नेटवर्क ग्लीच होता है, आप रिफ्रेश करोगे तो ये हो जाएगा। फिर से पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखिए, ये पेपर खुल गया है ना। यहाँ से अब आप इसको एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको रीड भी कर सकते हो, ठीक है। ये इस तरह के कोई भी रिसर्च पेपर्स हो, आप अगर वो गूगल स्कॉलर्स पे आप जाएं, गूगल स्कॉलर्स पे वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो आप यहाँ से डाउनलोड करके साई हब जो है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साई हब एंड ओवरव्यू जो भी है। ये साई हब, ये तो टॉपिक का नाम है, जो टाइटल है, जो रिसर्च पेपर, ठीक है। इस तरीके से हम करके उसको पढ़ के फिर जो है हम वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। एक चीज़ और, रेफरेंस भी लेना ज़रूरी होता है। ये तो हमने पेपर पढ़ लिया, रेफरेंस कैसे लेते हैं? तो आमतौर पे जो रेफरेंस लेते हैं वो हम सपोज ये है, सपोज मैंने यही लिया, क्या कहा गया, ये है मेरा एन ओवरव्यू ऑफ पैरामीटर्स एंड कॉस्ट फॉर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैंने भी दिखाया कैसे इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे देखो तो साइट है ना, साइट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे ये आता है, इसमें से आमतौर पे APA वाला रेफरेंस ले लेंगे। ओवरऑल ऑल रेफरेंसेस आर सेम, बट ये हम APA वाला रेफरेंस ऐसे लेकर इसको कॉपी करके जो भी हमारा पेपर है वहाँ पे हम इसको रेफरेंस देकर, जैसे सपोज मैंने, मेरा ये पेपर है तो इसमें मैं रेफरेंस देकर, यहाँ पे रेफरेंस देकर रेफरेंस आप लिख सकते हो, नंबर वगैरह देकर, ठीक है। तो ये हो गया है ना। और इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेरीज है तो प्लीज़ आस्क, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू।